दस बजे के बाद चांदनी चौक में ऐसा दिखता है, लगभग सारा सन्नाटा छा जाता है और इधर में कोई ज़्यादा लोग नहीं दिखता है। दस बजे के बाद का सीन कुछ इस प्रकार रहता है चांदनी चौक। दस बजे के बाद चांदनी चौक में कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पे लोग ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, सारा दुकान बंद हो जाता है। देखो, और बहुत ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे चोरी लूट मार वगैरह होने की संभावना ज़्यादा होती है, अपने सामान का खुद ख्याल रखना होता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये दिल्ली है, वैसे तो दिल्ली वाले लोग बहुत अच्छे रहते हैं, किसी को कुछ कहते नहीं, बहुत ही अच्छे होते हैं, समझदार लोग होते हैं और हेल्पफुल होते हैं, सभी की मदद करते हैं दिल्ली के लोग जो दिल्ली में रहते हैं। फिर भी संभल के रहना पड़ता है। खेल रहे हैं लोग इधर में, काफी सारे आइसक्रीम की गाड़ियाँ लगी हुई है, कुछ इस प्रकार का माहौल है इधर। दिल्ली में रात में ऐसा दिखाई देता है। 10 बजे के बाद लगभग 10:30 हो गए हैं और 10:30 में कुछ ऐसा दिखता है दिल्ली में। चांदनी चौक दिल्ली, सारे लोग सोए हुए हैं, लोग यहाँ पे पूरा दिन भर काम करते हैं, रात को आराम फरमाते हैं, यहाँ सुबह उठ जाएंगे, अपने काम पे लग जाएंगे, जिसने जहाँ जाना हो वहाँ चले जाएंगे ये लोग। रात में इसी प्रकार से यहाँ पे होता है, बहुत लोग ऐसे सो जाते हैं रात में यहाँ पे, और खुला खाओ खुला जियो दिल्ली में। दिल्ली में 10 बजे के बाद चांदनी चौक में कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा आपको। लगभग 10:30 हो रहे हैं रात के, ये चांदनी चौक है,
10 बजे के बाद का सीन है। कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं, शायद आपस में झगड़ा हो रहा है। कुछ लोग सो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे सो रहे हैं। सोए पड़े हैं। ओहो दादी सुध देखो मेरे क्यों उठान हो हजू होटल में बस है यहीं आए को घूमना देखना घूमने आए को तुसारा तपाईं कहाँ हो रोल्पा कहाँ लिवांग तेरा कता फर्से सिलिचोर यहाँ कस बुआ कहाँ चितौन कहाँ नारायणघाट कता बर्दघाट के भन्छ यता यो तपाईको माडी हाकिम चोक के गर्नुहुन्छ त बुवा ठीक छ जिन्दगीको मजा लिए भयो हो बिहान बेलुकाको खाना खाने आफू सुरक्षित भए भयो के नै चाहियो खा र भन्छु क्या म पनि यस्तै घुम्नु होइन होइन कहाँ जागिर गर्ने भाडा माझ्ने घुम्ने बस यस्तै छ अहिलेसम्म अहिले यस्तै छ हजुर आफ्नो आफ्नो सही हो ए